इंडोनेशिया बनाने जा रहा है न्यू कैपिटल सिटी, वो भी करंट कैपिटल जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर बोर्नियो आइलैंड पर, जिसका नाम है नुसंतारा, जिसके लिए इंडोनेशिया सरकार खर्च करने जा रही है $32 बिलियन। पर क्यों बना रही है इंडोनेशिया सरकार इतना ज्यादा पैसा खर्च करके न्यू कैपिटल सिटी? क्या हुआ जकार्ता में ऐसा कि इंडोनेशिया के पास कैपिटल सिटी को चेंज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा? और कब तक बन जाएगा नुसंतारा न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? जानते हैं ऐसी ही कुछ मजेदार बातें आज के इस वीडियो में। ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया ही पहला देश है जो अपनी कैपिटल सिटी चेंज कर रहा है, बल्कि इससे पहले ब्राजील, पाकिस्तान और नाइजीरिया भी अपनी कैपिटल सिटी चेंज कर चुके हैं। साथ ही भारत ने भी कई सालों पहले कैपिटल कोलकाता से चेंज कर न्यू दिल्ली की थी। आज चाइना, भारत और यूएसए के बाद दुनिया का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया है, जहां 18,000 से भी ज्यादा आइलैंड हैं। इंडोनेशिया अपनी कैपिटल जानबूझकर चेंज नहीं कर रहा, बल्कि ये उसकी अब मजबूरी बन चुकी है। जावा आइलैंड के ईस्ट कोस्ट में स्थित जकार्ता, जो अभी इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी है, जहां इंडोनेशिया की 60% आबादी रहती है। जकार्ता दुनिया की सबसे तेजी से समुद्र में डूबता शहर है। रिपोर्ट की माने तो आने वाले 2050 तक जकार्ता का एक तिहाई हिस्सा समुद्र में डूब जाएगा। इसके साथ ही यहां बढ़ती जनसंख्या और ट्रैफिक भी इसकी मुसीबतों को बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, जकार्ता एक डेल्टा में बसा शहर है, जहां बाढ़ और भूकंप आम बात है, जिससे इस देश को हर साल $6 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है। जकार्ता के बोझ और मुसीबतों को कम करने के लिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने 2019 में न्यू कैपिटल सिटी बनाने के प्रस्ताव को पार्लियामेंट में पेश किया, जिसके बाद इंडोनेशिया पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाकर इसे पास कर दिया, जिसका काम 2021 से शुरू होना था, पर कोरोना महामारी के कारण इसे अब अगस्त 2022 में शुरू किया गया, जिसमें इंडोनेशिया अपनी कैपिटल को जकार्ता से चेंज कर कालीमंतन के बोर्नियो आइलैंड में बनाने जा रहा है, जो कि जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर एक जंगल में स्थित है। साथ ही ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से चलेगा, जो कि आने वाले समय में 20 लाख से अधिक लोगों का घर होगा, ताकि जकार्ता के अलावा बाकी कई आइलैंड जैसे सुमात्रा और कालीमंतन को भी भविष्य में विकसित किया जाए। ऐसा नहीं है कि न्यू कैपिटल सिटी बनाने की बात इंडोनेशिया में आज की है, बल्कि इसकी शुरुआत इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट सुकार्नो ने 1957 में की थी, पर उनके प्लान पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और 1960 में जकार्ता को कैपिटल सिटी घोषित कर दिया गया। बोर्नियो आइलैंड जकार्ता से काफी बड़ा और यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन भी जकार्ता से काफी अच्छी है। साथ ही यहाँ बाढ़, वाल्केनो और भूकंप का खतरा भी नहीं है। 2 लाख हेक्टेयर में बनने वाले न्यू कैपिटल सिटी का पहला लक्ष्य यहाँ हाईवे और रोड बनाना है। रिपोर्ट की माने तो यहाँ लगभग 80% रोड बनाने का काम हो चुका है, जिसके लिए इंडोनेशिया सरकार ने $350 मिलियन खर्च किए हैं। साथ ही यहाँ जल्दी ही नया एयरपोर्ट, सी पोर्ट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा। उसके बाद 2024 तक नुसंतारा में प्रेसिडेंट हाउस, न्यू पार्लियामेंट हाउस, सरकारी आवास, आर्मी और पुलिस हेडक्वार्टर भी बनाया जाएगा। इंडोनेशिया सरकार का लक्ष्य पूरे नुसंतारा को रिन्यूएबल एनर्जी से चलाना है और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल और पैदल चलने का ही उपयोग किया जाएगा, ताकि कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो, जिससे हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सके। नुसंतारा इंडोनेशिया की एक स्मार्ट सिटी होने वाली है, जहां लोगों को एक बेटर लाइफस्टाइल और सरकारी सुविधा दी जाएगी। नुसंतारा में लोगों को नए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए कई कंपनियों को बुलाया जाएगा, ताकि इंडोनेशिया की जीडीपी में ग्रोथ हो सके। इंडोनेशिया का ये प्लान अभी शुरुआती चरण में है, जो अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर ये सफल हो गया तो ये इंडोनेशिया के इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा, जिसके लिए इंडोनेशिया की सरकार पूरी तरह से तैयार है। साथ ही इंडोनेशिया को कई देशों जैसे जापान, सऊदी अरब, यूएई और चाइना से भी मदद मिल रही है, जिसकी 2045 तक पूरा होने की उम्मीद है। साथ ही नुसंतारा में 2050 तक 20 लाख से अधिक लोगों को बसाया जाना है, पर बोर्नियो आइलैंड में रह रहे जनजातियों के लोग सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं, जिनका मानना है कि स्मार्ट सिटी के बनने से यहां के एनवायरनमेंट में फर्क पड़ेगा।
बोर्नियो आइलैंड का 80% हिस्सा जंगलों और वन्य जीवों से भरा हुआ है, जहां कुछ सबसे शानदार समुद्री और वन्य जीव रहते हैं, जिन पर नुसंतारा के बनने के बाद पोल्यूशन और लोगों से काफी फर्क पड़ेगा। क्या आपको पता है, इजिप्ट भी बढ़ती जनसंख्या से परेशान होकर अपनी कैपिटल कायरो से चेंज करने वाला है। इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल सिटी नुसंतारा एक उदाहरण होगी अगर ये सफल होती है। खैर, ये तो समय ही बताएगा कि सफल होती है या कहीं इसका हाल भी ब्राजील, नाइजीरिया और न्यू दिल्ली की तरह होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपकी क्या राय है इस बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।